हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप स्टॉक्स ट्रेडिंग एकेडमी। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। अगर आप ट्रेडर हो तो हो सकता है वो आपके लिए काम ना आए, लेकिन आप अगर इन्वेस्टर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा वो, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे हम लोग एक स्टॉक के बारे में चेक कर सकते हैं कि वो अच्छा है या नहीं है। तो आइए देखते हैं, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? तो मान लीजिए कि हमारे आसपास दो शॉप्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को जानना है कि मैं किस पे इन्वेस्ट करूं। मेरे घर के पास एक शॉप ए है, एक शॉप बी है, और मेरे को पता करना है कि मैं किस पे इन्वेस्ट करूं तो मेरा रिटर्न ज़्यादा आएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं पता करता हूँ, कैसे पता करूँगा। तो शॉप ए पे मैं 1000 का इन्वेस्टमेंट किया और बदले में मेरे को 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। शॉप ए पे ध्यान दीजिएगा, 1000 का इन्वेस्टमेंट किया तो बदले में मेरे को प्रॉफिट हुआ 200 रुपीज़ का। शॉप बी पे मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और मेरे को प्रॉफिट हुआ 30 रुपीज़ का। वहाँ पे 1000 पे 200, यहाँ पे 100 पे 30 रुपीज़। तो अब आप इस बेसिस पे किसको प्रीफर करेंगे, किस में इन्वेस्ट करना प्रीफर करेंगे? ऑब्वियसली आप प्रीफर करोगे शॉप बी पे इन्वेस्ट करना। अब क्यों, ये जानते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट बिजनेस को देखते हैं जिसमें 1000 इन्वेस्ट करके हम लोग कितना पा रहे थे, हम लोग 1000 इन्वेस्ट करके 200 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। सेम लेकिन अगर दूसरा वाला जो शॉप बी का बिजनेस था उसमें हम लोग 100 पे 30 रुपीज़, मतलब 1000 पे 300 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ का ज़्यादा फायदा हो रहा है हम लोग को शॉप बी पे। तो ऑब्वियसली जिसमें रिटर्न ज़्यादा होगा मैं इन्वेस्ट उसी में करना पसंद करूँगा। तो यहाँ पे मैं शॉप बी पे, सेम यहाँ स्टॉक्स पे भी यही चीज़ लागू होती है। जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होगा मैं उसको ज़्यादा एफिशिएंट मानूंगा ना, उसका मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट है, वो ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, और मैं उस पर ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा क्योंकि मेरे को पैसा वापस मिल जाएगा मेरे को बराबर। रिटर्न ऑन इक्विटी का जो कैलकुलेशन होता है वो नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है। आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, मनी कंट्रोल में मिल जाएगा, इकोनॉमिक टाइम्स मिल जाएगा, आप जिसमें चाहें, अधिकतर गूगल में सर्च मारेंगे तो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये क्या मेजर करता है, तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है किसी फर्म का ना, उसी को मेजर करता है आरओई। और अगर आप आरओई पकड़ लिए ना सामने वालों की, तो आपको बाकी चीज स्टार्टिंग में ही आपका बहुत सारी कंपनी छट जाएगी, तब आपके पास कुछ ही कंपनी रह जाएंगी जिनमें और हम लोग को कुछ ढूंढना रहेगा, अंदर का मैनेजमेंट, फिर अलग अलग चीज़ें, जो जो हम लोग वैल्यूएशन निकालते हैं किसी स्टॉक का। तो ये सारी चीज़ों को सबसे पहले आप आरओई देख लो, तो वो बेस्ट पैरामीटर है किसी कंपनी के बारे में डिसाइड करने का कि वो अच्छा है या नहीं है। और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ आरओई देख के हम लोग किसी कंपनी पे को जज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आरओई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।